पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने आरा परिषद में प्रेस वार्ता किया। भारतीय जनता पार्टी बूथ तक का अपना संगठन खड़ा कर रही है। बूथ तक के संगठन की मजबूती के लिए एक बड़ी कार्ययोजना पार्टी ने बनाई है। उस कार्ययोजना को क्रियान्वित करने के लिए आज ये बैठक आयोजित थी। इसमें हमारे पार्टी के सांसद, हमारे विधायक, विधानसभा के हमारे उम्मीदवार, जिला के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, मंडल के प्रभारी, ये जो हमारे कुछ सिलेक्टेड लोग वो इस बैठक में उपस्थित थे। हमने एक कार्ययोजना बनाई है और आने वाले महीनों में हम इसको जमीन पर उतारने का काम करेंगे। एनएस 30 के उद्धार की कार्रवाई प्रारंभ हो गई। आप जानते हैं कि आरा मोहनिया इस सड़क को अब भारत सरकार ने ले लिया है। एनएचआई की जिम्मे इस सड़क चली गई है और उसके रिपेयर के लिए टेंडर भी हो गया है। 10 सितंबर को उसका टेंडर खुलेगा, 10/9/2018। इसको हम लोगों ने दो भाग में बांटा। एक तो 0 से 50 किलोमीटर में एक भाग है और दूसरा भाग 50 से 117 किलोमीटर पर। जानबूझ के दो भाग में बांटा है ताकि काम जल्दी हो सके, क्योंकि इतने बड़े स्टेज में अगर एक आदमी को ठेका मिलता तो समय ज्यादा लगता। 10 सितंबर को टेंडर खुलने के बाद हमारी कोशिश है कि नवंबर में ये काम प्रारंभ हो जाए और मार्च 2019 तक हम उसके रिपेयर का काम पूरा कर सकें। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। पहले तो हमें रिपेयर का ही काम करना है, उसको चलने लायक बना देना है और उसके बाद उसके फोर लेनिंग के लिए आगे का प्रोसेस किया जाए। आप खुद भी अनुभव करते होंगे, हमने लक्ष्य रखा है क्योंकि वो पुल 6 लेन का बनने वाला है। तो हमने कॉन्ट्रैक्टर को कहा है कि मार्च 19 तक वो 3 लेन का पुल चालू करा दे ताकि जिन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं उन समस्याओं का समाधान हो सके। तीसरा, सासाराम पटना, इसको 4 लेन होना है। सासाराम पटना, पता नहीं आप जब हमारे मंत्री बनने के पहले आप लोग चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे, मुझे मालूम नहीं। नहीं, आपकी चलने की बात थोड़ी कर, इन लोगों की चलने की बात कर रहा हूं। तो इसको क्या संजोग है मैं बताता हूँ, वारा यहां बता सकता हूँ। संजोग है कि मैं मंत्री था पथ निर्माण विभाग का, उस समय 5 की बात कर 6 की बात कर, और मेरे विभाग के प्रधान सचिव थे वो जो आपके सांसद हैं, और हम ही दोनों ने निर्णय लिया कि साहब इसको इस नरक से लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। और उस आरा सासाराम को हम लोगों ने स्टेट हाईवे घोषित करके 2 लेन में तब्दील करने का काम किया। आरा के अंदर आके बात करें मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन अब उसके 4 लेनिंग का निर्णय हुआ है, हमने उसको विस्तार दिया है। अब ये 4 लेनिंग केवल सासाराम आरा नहीं होगा, अब इस तरह सासाराम से पटना जाएगा। लेकिन सासाराम से पटना जाने के लिए आरा में आने के बाद आरा बक्सर रोड में नहीं मिलेगा, इसका नया अलाइनमेंट तय करने के लिए हमने निर्देश दिया है। ये सासाराम से 4 लेन होते हुए आएगा आरा में, और आरा में आरा के दक्षिण बाईपास बनेगा, फिर वहां से बिहटा जाएगा, मैंने बिहटा वर्तमान बिहटा के 10 किलोमीटर दक्षिण, और तब वो कनेक्ट होकर के बेटा होते हुए मनेर होते हुए पटना जाएगा। मैंने ये अलाइनमेंट तय किया है और मैंने कहा एनएचआई को किस आधार पर डीपीआर बनाने की कार्रवाई करे, तो भी प्रक्रिया उसकी शुरू होने वाली है। वो जब डीपीआर वगैरह बन जाएगा तो फिर एक बार आपको विस्तार से बताएंगे। मर्याद हो गया यार, जितने भी मुख्य सड़कें हैं वो खड़ना चालू हो गई सर, इसके लिए क्या कोई योजना है?
लेकिन एक बात पहले आपको ध्यान में देना होगा, बिहार की सभी सड़कें मैं नहीं बनाता हूं, मैं केवल पथ निर्माण विभाग की सड़कें बनाता हूं। शहर के अंदर नगर विकास की सड़कें हो सकती है, नगर निगम की सड़कें हो सकती है, आप किस सड़क की बात करें मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पथ निर्माण विभाग की सड़क पे कहीं आपको गड्ढा दिखाई पड़ता हो, कहीं सड़क फटी हुई दिखाई पड़ती हो, आप मुझे बताएं, किसी भी हालत में मैं किसी भी कीमत पर गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होने दूंगा, मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा। यानी आरा में जितनी सड़कें सब पथ निर्माण विभाग नहीं, ऐसा सब है। अरे मैं मंत्री हूँ, ऐसा नहीं करूँगा, लिखा हूँ बार बार। अरे दोनों में लड़ाई चलता है, नगर करता है उसका, वो करता है उसका। बहुत सारे सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे हो गए। कौन सड़कों पे? आपने बोलिए, आप पत्रकार हैं क्या? बैठिए नहीं, अरे मत बैठिए, फोन कैसे आए? किस को गुणवत्तापूर्वक बनाए रखने के लिए हमने अभी ओपीआरएमसी सिस्टम चालू किया है, जिसमें पथ निर्माण विभाग की 8000 किलोमीटर की सड़कों को शामिल किया है। लेकिन आने वाले दिनों में दिसंबर में वो सारे कॉन्ट्रैक्ट पूरे हो रहे हैं, जनवरी 2019 से हम 8000 को बढ़ाकर 14000 किलोमीटर सड़क करने वाले हैं, ताकि हमारी सड़कें गड्ढा मुक्त रहे। समस्या एनएच की सड़कों पर थोड़ी आपकी आ सकती है, क्योंकि जो नेशनल हाईवे तो आप जानते हैं उसके निर्माण का काम चल रहा है, आरा मोनिया एनएचई है, पटना आरा बक्सर एनएचई है, उन्हें एनएच में अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप जानते हैं उसके फोरलेन का काम चल रहा है, तो उसके कारण थोड़ी समस्या हो सकती है। अभी मैं आया तो मुझे लोगों ने बताया कि साहब जो आरबी बना उस पर थोड़ा उखर गया है कुछ, मैंने अभी तुरंत एन एच आई के लोगों को कहा कि उसको ठीक करें, मैं समझता हूँ कि एक सप्ताह के अंदर वो ठीक करें। आरा की जो कुछ सड़कें हैं जो एसएच हैं वो उखड़ना चालू हो गई, बहुत बुरी तरह नहीं, आप कह रहे हैं तो मैं जांच कराऊंगा, मैं किसी भी हालत में स्टेट हाईवे को बॉटलेस रखूंगा। ओवर ब्रिज में कुछ पुरात तो उखड़ गया, गड्ढा उड्डा हो गया, मैंने कहा एन एच आई को, चूंकि वो आरा बक्सर जो पोले अंदर के तहत है तो उनको कहा कि ठीक करें। ये दिया था कि मेरी सात बहनें और मुझे नींद नहीं आती मुजफ्फरपुर की घटना को लेकर, नहीं मुजफ्फरपुर की घटना पर आरजेडी राजनीति कर रहा है। आप जानते हैं पहले विपक्ष के लोगों ने क्या डिमांड किया, विपक्ष के लोगों ने डिमांड किया कि साहब सीबीआई की जांच करनी चाहिए, कहीं जाए सरकार ने कहा सीबीआई जांच करा लिया जाए, मान लिया, फिर कहा साहब कोर्ट की निगरानी में जांच होना चाहिए, हम सरकार ने कहा कि हम तैयार हैं इसके लिए, हम कोर्ट को खुद कहने वाले हैं कि आपकी निगरानी में हो, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया, अब क्यों नाटक हो रहा है? ये जो डिमांड उनका था हम सब स्वीकार किया, ये घटना कोई अच्छी बात नहीं है। मुजफ्फरपुर की जो घटना घटी बड़ी शर्मनाक घटना, हमारे राज्य के अंदर ऐसी घटना घटी हम सबको उसकी चिंता है, लेकिन अब इस घटना की जब जांच हो रही है, जो मांग गए उनकी मांग के अनुसार जांच हो रही है, तब इस विषय को देशव्यापी बनाना ये बिहार की बेटियों का अपमान है, ये आरजेडी और कांग्रेस के लोगों ने किया। प्रेक्षण गृह में भी, आरा के प्रेक्षण गृह में भी ऐसी घटनाएं सामने आई है, उसके बाद जिला प्रशासन ने जांच भी कराई, लेकिन जांच रिपोर्ट अभी बच्चों ने अपनी पर्टिकुलर मुझे उसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ अब तो ये जाँच का दायरा पूरा बिहार होने वाला है, स्वाभाविक रूप से जांच का दायरा तो पूरा बिहार हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि इस घटना ने हमें सबक सिखाया है और हम ऐसा तंत्र खड़ा करेंगे कि दोबारा इस प्रकार की घटना घटने की नौबत ना आए।